थकान महसूस होने के वैज्ञानिक कारण मैं आपको आज बताने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में मुंबई पड़े अकोला यहां पिछले सैतीस साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं हम जब ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं ऑफलाइन कंसल्टेशन करते हैं वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करते हैं तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमको थकान महसूस होती है दिन भर थका थका सा लगता है एनर्जी महसूस नहीं होती जम महसूस नहीं होता तो इसका क्या कारण है उसके लिए हमारे पास में लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए तो उसमें कुछ कारण मैं आपको बताता हूं देखो आपको कौन सा लागू होता है तो नंबर एक कारण जो है कि नींद अच्छी होना चाहिए क्या है कि नींद यदि आपकी सात से आठ घंटे या सात से नौ घंटे आपकी हो रही है एवरेज आठ घंटे भी तो उससे आपको दिन भर बहुत अच्छा लगेगा फ्रेश लगेगा और नींद भी आपकी गहरी अच्छी नींद होना चाहिए देखो नींद में लोग कम समय बिताते हैं नींद कभी रात में कम लेते कभी दोपहर को सो लेंगे इरेगुलर नींद लेंगे फिर रात भर लेट रात तक पिक्चर देखते रहेंगे व्हाट्सएप खेलते रहेंगे कोई मूवीज देखते रहेंगे ऐसा तो नींद अच्छा होना बहुत जरूरी है नींद यदि आपकी अच्छी हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दिन भर फ्रेश लगेगा अच्छी नींद के लिए मेरे अलग वीडियोज़ है अच्छी नींद कैसी लाए वो वीडियोज आप जरूर देख सकते हैं तो नंबर दो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके खाने में कम होना चाहिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर इन प्योर फॉर्म शुगर शक्कर जो प्योर फॉर्म में मतलब शक्कर जो चीनी आती है वो या सब मीठी चीजें या जो भी अनाज में शुगर है मीठा है वो नहीं खाने का है और कार्बोहाइड्रेट्स कम क्या और वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली यदि खाते हैं आप कार्बोहाइड्रेट्स तो उससे भी नुकसान होता है क्या हैं आप सीड्स खाते हैं एक एक दो दो घंटे के बाद में कुछ ना कुछ स्पीड खाते रहते हैं या कुछ स्नैक्स खाते रहते हैं उसमें यदि ज़्यादा कार्ब्स है तो क्या होता है इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है उसका वो कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए कार्ब को मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन हाइक पर चले जाता है पीक पर जाएगा वो उसको डाइजेस्ट करेगा मेटाबोलाइज करेगा फिर नीचे आएगा फिर आप खाएंगे फिर इंसुलिन ऊपर जाएगा तो मेटाबॉलिज्म जो हमारा है ना वो बराबर नहीं होता है इसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है क्योंकि लेवल्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज्यादा यदि है और इंसुलिन का ऊपर नीचे होना चालू है तो उससे थकान महसूस होती है तीसरा जो है वो है इनएक्टिविटी देखो आप यदि बैठे बैठे आप काम कर रहे हैं आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे आपको बहुत थकान महसूस होती है या ज्यादा उत्साह नहीं रहता है क्या जो सेडेंटरी वर्क करते हैं एक्सरसाइज भी नहीं करते उन्होंने तुरंत एक्सरसाइज करना चालू करना है देखो जिस दिन आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं ना देखो आपको दिन भर दिन में कैसा अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा दिन भर तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज से डोपामिन ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन सिक्रीशन ब्रेन में होता है उससे अच्छा लगता है तो इन एक्टिविटीज इनको है जो बैठक का काम करते हैं बैठे बैठे करते हैं काम घर के बाहर जाते नहीं है घर हाउस है समझो वो, वो कुछ एक्सरसाइज नहीं करती है उनको लगता है कि देखो मैं कितना दिन भर काम करती है वो काम अलग है एक्सरसाइज करना जिससे बहुत अच्छा पसीना आएगा तो उससे भी आपको बहुत फ्रेश लगेगा फिर चौथा जो है कि फूड एलर्जी जो है ना वो काफ़ी लोगों को थका महसूस करते हैं फूड एलर्जीज कोई लोगों को फूड एलर्जी जैसा ग्लूटेन है अभी गेहूँ में या फिर किसी को दूध की एलर्जी रहती है या किसी को नॉनवेज की एलर्जी रहती है किसी को बैंगन की एलर्जी रहती है या ऐसे कोई एलर्जी जो है फूड एलर्जी स्पेशली तो वो हमने टालना चाहिए वो डाइजेस्ट नहीं होता है फूड एलर्जिक रिएक्शंस होती है बॉडी में और उससे भी फिर एंथुजियाजम एनर्जी नहीं लगती है नहीं चलती है फिर पाँचवा जो है वो है नींद फिक्स नहीं होना यदि आपकी नींद फिक्स नहीं है अलग अलग ड्यूटीज़ है कभी कभी सवेरे ड्यूटी है कभी दोपहर को ड्यूटी है कभी रात को ड्यूटी है नींद का समय फिक्स नहीं है तो आपको फ्रेश नहीं लगेगा और दूसरा कभी आप दोपहर को सो ल, सो लेते हो तो फिर उसमें भी आपको फ्रेश नहीं लगेगा उठने के बाद में क्योंकि वो जो सर्कैडियन रिदम है नींद का वो डिस्टर्ब होते रहता है तो इसलिए आपने नींद का समय जो है वो फिक्स रखना चाहिए फिर सात जो है सेवंथ आइटम वो है वाटर पानी डिहाइड्रेशन जब है क्रॉनिक डिहाइड्रेशन बहुत लोगों को होता है मतलब लोग पानी ही कम पीते हैं अब पानी कम पीने का कारण उनको एक तो मालूम नहीं पानी ज़्यादा पीना चाहिए नंबर नम्बर एक नंबर दो पेशाब को जाना पड़ेगा इसलिए लोग पानी पीते कम तो ये जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है तो फिर आठ आठ घंटे वहाँ काम कर रहे हो टॉयलेट को जाती नहीं है तो वो उससे क्रॉनिक डिहाइड्रेशन होता है उससे थकान महसूस होती है हम हरदम हाइड्रेटेड रहना चाहिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए इतना ज़्यादा पानी की हमको लगना चाहिए कि हमको टॉयलेट बहुत बार जाना पड़ रहा है ज़्यादा जाना पड़ रहा है इतना ज़्यादा पानी कम से कम ढाई तीन लीटर तभी पानी रोज आपका पीना चाहिए जिससे आपको अच्छा हाइड्रेशन रहेगा और आपको थकान कम महसूस होगी फिर आठवा जो है वो इनफ ऑफ हाई प्रोटीन्स यदि प्रोटीन यदि आप ज़्यादा खाते हैं तो उसमें फिश है नॉनवेज जो खाते हैं उनको फिश है एग्स है मटन चिकन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है वो खाने का है और वेजिटेरियन जो है उनको पनीर आप ज़्यादा खा सकते हैं दाल है तो ये जो चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है तो वो खाते यदि आप और उसमें काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा एनर्जी महसूस होगा तो कम कार्बोहाइड्रेट्स और ज़्यादा प्रोटीन प्रोटीन से बहुत एनर्जी आती है तो नवा जो है वो है एंगजाइटी यदि बहुत ज़्यादा आपको चिंता है और बहुत फिक्र करते हैं तो क्या होता है उससे कॉरटिसॉल लेवल बढ़ जाती है हाई एंग्जाइटी वालों को और कॉर्टिसल लेवल क्या करती है कॉर्डिसल लेवल बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को काम में लाती है हार्ट को ज़्यादा काम में लाएंगी पसीना आते जाएंगा हाथ काँपेंगे एक्सेसिव रेस्टलेसनेस होगा तो वो यदि कॉर्टिसल लेवल हाई है और वो एंग्जाइटी की वजह से तो एंगजाइटी का इलाज करना जरूरी है कि उससे आपको तकलीफ नहीं होंगी थकान नहीं होंगी फिर फिजिकल एलनेस जो है दसवा कि जो मधुमेह है डायबिटीज़ शक्कर की बीमारी उसे थकाना चाहिए वो कंट्रोल में होना चाहिए फास्टिंग आपका 100 एक सौ के नीचे रात अच्छा है और खाना खाने के बाद में 140 के नीचे होना चाहिए वैसे थायराइड की बीमारी मिक्सीडिमा तो ये जो बीमारियां हैं कोई भी वैसी फिजिकल बीमारियां वो आपको ताकत कम कर देती है ये दसवाँ और ग्यारहवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम यदि दो साल से आपको सिम्टम्स है और ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है इसमें मतलब सब जांच पड़ताल किया आपको कुछ मिला नहीं है जो भी मैंने आइटम बताया वो भी आप उसकी सब केयर ले रहे और तभी भी आपको दो साल से नर्वसनेस है उदासीनता है तो वो क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम है क्रॉनिक डिप्रेशन है ये हो सकता है मेरे पास ऐसे बहुत लोग आए कि जिनको मैंने सिर्फ एंटी डिप्रेशन दिया और वो अच्छे हो गए बोले हमने दो साल हमारी जिंदगी के फालतू कमा दिए इसमें ऐसा उन्होंने बोला हुआ है तो ये सब आप चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपको थकान जो है वो महसूस नहीं होंगी और बहुत आप एनर्जेटिक एंतु रहेंगे थैंक यू वेरी मच